नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं NBC 24। कहीं एक तरफ लोग बढ़ती महंगाई से परेशान थे तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की दाम में लगातार बढ़ोतरी होते दिख रही थी। तो केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर लोगों को एक अच्छा तोहफा दे दिया है। हर राज्य में पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई। आइए आज हम आपको हर राज्य की पेट्रोल और डीजल की कीमतें बताते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर शुल्क कम करने के बाद कई राज्यों ने टैक्स कम कर दिया है। जी हाँ, जिससे अब पेट्रोल डीजल के दामों में काफ़ी कमी आ गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर हैं। दीपावली के अवसर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी को राहत मिली है। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद कई राज्यों ने टैक्स को कम कर दिया है, जिससे अब पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आ गई है। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। सिक्किम सरकार ने ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए कम करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 1.30 रुपए और डीजल की कीमत पर वैट में 1.90 रुपए की कटौती की है। असम सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 7 रुपए तक करने का निर्णय लिया है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पर 10.20 रुपए और डीजल पर 15.22 रुपए प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। उधर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए की कमी करने का ऐलान किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए की कमी करने का ऐलान किया है। चाहे तो आप अपने घर बैठकर SMS के जरिए ही अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप पर कीमत जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर अपने मोबाइल से RSP के साथ शहर का कोड डालकर 9224992249 पर मैसेज भेजेंगे। शहर का कोड आपको इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद आपको पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमत की जानकारी दी जाएगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव हुआ है। कल तक तेल कंपनी की तरफ से बड़ी राहत मिली थी। शुक्रवार को डीजल के दाम पर 11 रुपए से 13 रुपए तो वहीं पेट्रोल के दाम पर 7 रुपए से 8 रुपए तक का कम हुआ है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव ना होने से उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिली है। आज आम आदमी को राहत देते हुए तेल के दामों में बड़ी गिरावट की गई है। इससे पहले कई राज्यों में डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके थे। जी हां, देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार था। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक थी। पेट्रोल डीजल की कीमत पर SMS के जरिए भी जान सकते हैं। जी हाँ, वेबसाइट पे आप जाके नंबर डाल के शहर का कोड डाल के आप वहाँ की पेट्रोल की कीमत जान सकते हैं। तो आपने देखा कि हर राज्य में पेट्रोल की कीमतें 5 से 7 रुपए तक कम हो गई, जिससे लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई है। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।